जो बंदा मुस्तफ़ा करीम अली सलाम आपका जिक्र सुन के बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम पढ़ता है, लोगों याद रखना अल्लाह उसे ये मकाम व मरतबा अता फरमाते हैं कि अल्लाह उसे उसके मुआशरे में से बुलंद फरमा देते हैं। अगर वो परेशान है परेशानी दूर कर देती हैं, अगर बीमार है बीमारी दूर कर देती हैं, अगर ताजर है तो बरकत आ जाती है, कोई भी काम करता है उसमें बरकत आ जाती है। और हम हर लम्हा अपने आप को कामयाब ही तो देखना चाहते हैं, और हम करना क्या चाहते हैं? अगर हम तालिब इल्म हैं तो फिर भी हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, अगर ताजर हैं फिर भी हमारा दिल होता है कि हम कामयाब हो जाएं, अगर हम जिम्मेदार हैं तो फिर भी दिल होता है हम कामयाब हो जाएं। कोई शख्स ऐसा नहीं जो कामयाब ना होना चाहता हो, लेकिन सूफिया फरमाते हैं कामयाब होने के लिए अक्सर एक अमल है, वो अमल क्या है कि जब मुस्तफा करीम का नाम आ जाए बंदा वही कामयाब है जिसकी जुबान पे दुरूद सलाम आ जाए, जिसकी जुबान पे जितनी मोहब्बत से जितनी शिद्दत से दुरूद सलाम आए अल्लाह उसे उतना ज्यादा अता फरमाते हैं। इसलिए जब मेरे आका का जिक्र आए तो मस्त होके झूम के पड़ा करे, यार हमारी पहचान दुरूद सलाम है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।